अभी अभी वहाँ पर कोई भी स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक पेज का 500 रुपया लेते हैं तो दो से तीन पेज दिन में मार देंगे तो 1500 खूब आराम से आपके बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक जानदार शानदार वीडियोस में। आज हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कैसे वर्क किया जाए ऑनलाइन, एक भी रुपया इन्वेस्ट किए बिना और मात्र दो से तीन घंटा वर्क करके। क्योंकि आज के समय में यूथ का जो यानी स्टूडेंट का जो सिचुएशन बन चुका है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। क्योंकि आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि दो से तीन महीना या तो चार से छः महीना में कोई एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके, एक से दो घंटा टाइम निकाल करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं आगे, या तो इसे पार्ट टाइम अभी लीजिए या तो आगे चल करके इसे फुल टाइम ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसे पार्ट टाइम मात्र एक से दो घंटा में वर्क कर सकते हैं। एक भी रुपया आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और इजीली वर्क किया जा सकता है। और लास्ट में जाते जाते एक ऐसा तरीका बताऊँगा जहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो वो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या SMP सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। यह टेक्निक नंबर पहले में आएगा और एक टेक्निक नंबर दो बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करते रहिए। लेकिन टेक्निक नंबर फर्स्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा। आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कैसे अर्न कर सकते हैं, ये तो इस सब का नाम आप जरूर सुने होंगे। लेकिन आप यहाँ पर इजीली रैंक कैसे अच्छी खासी ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये भी तरीका आपको टिप्स बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहेगा इत्मीनान से। सबसे पहले मैं यूट्यूब की बात करूंगा। आज के समय में यूट्यूब कौन नहीं जानता, आप भी जानते हो, हर लोग जानते होंगे यूट्यूब। और हर लोगों का आज के समय में यूट्यूब पर टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम बिता रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम नहीं बिता रहे हैं। क्योंकि हर लोग अपने घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यूट्यूब पर आप यदि स्टूडेंट, आपका जिस कैटेगरी के लोग होंगे उसी कैटेगरी के आप चैनल बना करके ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाइए। शॉर्ट्स वीडियो बनाना बहुत ही आसान होता है, मात्र एक मिनट का। यदि एक मिनट की वीडियो रहती है, एक मिनट से कम ही रहती है वीडियोस, तो मात्र एक मिनट की वीडियो रहती है तो उसमें 5 मिनट लगता है बनाने में। और कैसा बनाना है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में करेंट अफेयर शो चलता है, करेंट अफेयर का नाम अब करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर चलता है। तो करेंट अफेयर में क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं। तो होता है क्या कि किसी में 30 मिनट की वीडियोस होती है किसी की, तो किसी की 1 घंटे की वीडियोस होती है करेंट अफेयर में। आपको करना है क्या, उस करेंट अफेयर के मात्र 1 मिनट से नीचे यानी 40 सेकेंड की, 50 सेकेंड की, 55 सेकेंड की वीडियोस बनाना है। उनके क्वेश्चन को लीजिएगा और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर अपलोड करते रहिएगा। मात्र अपलोड करना बड़ा आसान है यार, मैं यहाँ पर लगा दूंगा कैसे अपलोड करना है। एक एक स्टेप यूट्यूब को खोलिएगा, फिर आप नीचे प्लस का आइकन दिखेगा, फिर एक शॉर्ट्स का फंक्शन दिखेगा, फिर वहाँ पर जाकर के उसे अपलोड करके बस उतना ही काम रहता है यार। और छोटा सा वीडियो रहता है, बहुत जल्दी अपलोड भी हो जाता है। तो करंट अफेयर की आप शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बस ये पढ़िए आंसर दीजिए तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ऐसा वर्क कर सकते हैं, आपका भी रिविजन हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं, चाहे जो भी फैक्ट जानते हैं, आप अरविंद अरुणा सर का नाम जानते होंगे, एटी मोटिवेशन का नाम जानते होंगे। वो सिर्फ फैक्ट बताते बताते थोड़ा सा मोटिवेशन देते थे और बहुत अच्छे सर हैं यार, बताते बताते आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं। बात बदलो शॉर्ट्स वीडियो के, शॉर्ट्स वीडियो ना होता तो शायद अच्छा खासा उतना ग्रो ना कर पाते जितना कि आज समय इस समय ग्रो कर चुके हैं। तो करेंट शो आप फैक्ट बता सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम स्टूडेंट हैं तो क्या मोटिवेशन के फैक्ट बताएंगे या किसी और चीज़ के, हाँ बता सकते हैं किसी और चीज़ के। लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप नॉलेज से रिलेटेड यानी स्टडी से रिलेटेड ही फैक्ट को बनाइए। जैसे कि आप RBI के बारे में क्या जानते हैं, 8-10 फैक्ट तो बोल सकते हैं 1 मिनट के अंदर भर में, थोड़ा सा देख करके पढ़ करके 8-10 फैक्ट अपने मन में तुरंत लीजिएगा, तुरंत कैमरा को फ्रंट करिएगा, तुरंत फटाफट RBI के बारे में जानते हैं तुरंत। आज के समय में कौन नई फैक्ट जानना पसंद करता है, और शॉर्ट्स वीडियो होता है ना, किसी के पास जाता है ना तुरंत देख लेता है कि यार 1 मिनट की वीडियो से बड़ा अच्छा लगता है यार। और वही 30-30 मिनट की हो जाती है वीडियोस तो नहीं देखना पसंद करता, कहता है कि सोचता है कि यार 30 मिनट स्पेंड करने पर हमें इतना ना मिलेगा फैक्ट जा करके। आप मात्र 1 मिनट के अंदर हमें पूरा दे देंगे तो बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। हाँ मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी 30 मिनट की, लेकिन इतना जरूर हो पाएगा कि 1 मिनट की वीडियोज़ को ज़्यादा लोग देखेंगे, ये मेरी गारंटी यार। आप भी देखते होंगे 1 मिनट की वीडियो रहती होती है तो आप कहते होंगे कि यार चलो देख लेते हैं 1 मिनट की ही वीडियो से, क्या आप दो टॉपिक को अच्छे खासे पकड़ सकते हैं।
इसके लिए एक लास्ट में बताऊंगा जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि एक फैक्ट आप एक और एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा, वो लास्ट में आपको दूंगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। सेकेंड नंबर पता है क्या? इंस्टाग्राम। आज के समय में इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा यार बढ़ रहा है, पॉपुलर हो रहा है। यूट्यूब भी बढ़ रहा है, यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर भी ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको 6 से 7 पेज बना लेना है इंस्टाग्राम पर, और उस पर क्या करना है, डेली का डेली एक एक पोस्ट बनाना है। लेकिन एक पोस्ट आप जिस भी कैटेगरी उससे रिलेटेड बनाइएगा। लेकिन स्टूडेंट होंगे तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप स्टडी से ही रिलेटेड, जैसे कि आपके बाबर का नोट्स है, बाबर के बारे में आप लोग जानते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं, एक पेज का लीजिए इमेज और उसे क्या करिए अपने इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करते रहिएगा। लोग पढ़ेंगे यार, बड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसे ऐसे पोस्ट आ जाता है, कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में देखते होंगे तो उसे आप पढ़ते होंगे, ऐसे इंस्टाग्राम पर रहेगा तो उसे पढ़ेंगे, स्टूडेंट रहेंगे तो जरूर पढ़ेंगे और आपके पोस्ट को आगे तक शेयर भी करेंगे। तो यहाँ से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और इस समय तो इंस्टाग्राम पर एक और फीचर आ गया है रील्स का, रील्स बना करके बहुत ही अच्छा खासा ग्रो किया जा सकता है इंस्टाग्राम पर। तो रील्स बनाइए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो मिलेगी, और वायरल वाले चीज़ें जो तो इंस्टाग्राम पर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रीच मिलती है इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर कैसे अर्न की जाती है तो आप लोग सिंपल सी बात करते हैं, जब इंस्टाग्राम पर आपका पेज ग्रो होने लगता है ना, जब ग्रो होने लगता है तो आपको कंपनियाँ बहुत ढेर सारी अप्रोच करने लगती हैं, या तो स्टडी वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी आपको अप्रोच करने लगते हैं कि हमारे ये पोस्ट डाल दीजिए अपने कम्युनिटी टैब में, या तो यूट्यूब के लिए रहेगा तो यूट्यूब में, या तो इंस्टाग्राम पर रहेगा तो इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए और हमसे कुछ ले लीजिएगा। जैसे कि यदि आप एक पेज का 500 रुपया लेते हैं तो 2 से 3 पेज दिन में मार देंगे तो 1500 खूब आराम से आपके बन जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना आज के समय में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पहले ही ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में आपको नहीं पैसा मिलेगा, थोड़ा सा वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग समझ गए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। सेकेंड नंबर फेसबुक सेम टू सेम इंस्टाग्राम, और फेसबुक भी इंस्टाग्राम ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर भी आप अपने पेजेस बनाकर के अच्छे खासे ग्रो कर लीजिएगा, वो फॉलोअर्स गेन करके आप लोग अच्छे खासे पैसा अर्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अफिलिएट मार्केटिंग आप लोग नाम सुने होंगे, यदि नहीं सुने तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि अमेजन फ्लिपकार्ट और जैसे मीशो वीशो कंपनियाँ हो गई, बड़े प्लेटफॉर्म होंगे, वो लोग करते हैं क्या कि जैसे कि छोटे छोटे लोग को या तो कहें कि अन्य लोगों को पकड़ते हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्ट को उनसे सेल करवाते हैं, या तो ऐसे सिंपल भाषा में कह दीजिए कि हम जैसे हैं, हम लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, मीशो पर जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट को लेंगे और उसका लिंक बनाएंगे, और लिंक बना करके लोगों को शेयर करेंगे, और शेयर करने से लोग उस लिंक पर जाएंगे और परचेस करेंगे, वहाँ से आपको 5 से 10% कमीशन मिल जाता है। जैसे मैं बात करूँगा, जैसे कोई स्मार्टफोन है, अच्छा खासा मार्केट में स्मार्टफोन आया और उसे लिंक लीजिए और लोगों को पास शेयर करिए, यदि वो 20,000 का स्मार्टफोन है तो उस पर मान लेते हैं यदि 5% भी कमीशन मिलता है तो वहाँ पर आपको 1,000 तुरंत आपको मिल जाएंगे। अफिलिएट मार्केटिंग, तो ये सब सिस्टम होते हैं, ये मैंने बताया SMP सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत। और अगला तरीका या टेक्निक में फर्स्ट था, अगला टेक्निक मैं अब सेकेंड नंबर में मेंशन करने वाला हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं जो पीछे बताया अभी वहाँ पर कोई भी स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए। देखता हूँ आपको कौन सी स्किल आती है, और जो भी स्किल आती आप उसी स्किल पर वर्क करेंगे तो अच्छी खासी ग्रो हो पाएंगे। टेक्निक नंबर सेकेंड की बात करूँगा, यदि आपको स्किल नहीं आती तो थोड़े से समय लगेंगे, यानी 8 से 10 दिन लगेंगे, या कह सकते हैं 15 दिन लगेंगे, और स्किल सीख करके आप अच्छे खासे वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्रीलांसर आप लोग जानते होंगे, फ्रीलांसर यहाँ पर होता है क्या कि अपने मन से कार्य कर सकते हैं फ्रीलांसर पर जाकर। इसके अंदर जैसे कि अपवर्क वेबसाइट पर जाकर, फिर ट्रूलांसर पर, फाइवर पर, फिर वर्क इन नियर पर, फिर टोपल पर, फिर पीपल पर, हावर पर, फ्री लांसर पर, फिर टास्क रैबिट पर, तो अन्य कई जगह पर, कई प्लेटफॉर्म है, कई आपके पास वेबसाइट है, इस पर आप जाकर के स्वयं क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। वही सिंपल से जो रजिस्टर लगता है, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिंपल से जो रजिस्टर करने के लिए वही ID पासवर्ड ईमेल ID लगती है। यहाँ पर रजिस्टर करने के पश्चात में आप दो ऑप्शन रहेगा, या तो आप काम देने वाले हो या तो काम आप लेने वाले हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप काम देने वाले जा रहे हो, आपको वहां पर जाकर के क्या करोगे, काम करना है, तो आप काम करने वाले पर होकर के जाएंगे, आप वहां पर वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के पश्चात आपको जिस भी वर्क से, वहां बहुत ढेर सारे वर्क मिलते हैं ऑनलाइन करने के लिए, आपका जिस निश से रिलेटेड, यानी आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जो कार्य कर लेते हैं उसको सेलेक्ट करिएगा और वहां पर जाकर के अच्छे खासे अर्न कर
सकते हैं। जैसे कि होता है क्या, कुछ मैंने नोट कर लिया है बस एग्जाम्पल के थ्रू, नहीं तो आपका जिस भी कैटेगरी में होंगे वहाँ पर आपके लिए काम अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मैंने टाइपिंग ले लिया है और यहाँ पर ट्रांसलेशन का ले लिया है। जैसे टाइपिंग में क्या होता है कि जैसे कुछ भी वहाँ से मिल जाता है कि चीज़ यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए, तो आप टाइप सिंपल रहती है, आप टाइपिंग जानते हो तो यहाँ पर टाइपिंग करके उनको दे देना होता है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन जैसे कि वहाँ कुछ भी रहता है कि यदि आपके पास में इंग्लिश का स्क्रिप्ट आ जाता है, बोल दिया जाता है कि आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करिएगा या मराठी में करिएगा या कुछ भी लैंग्वेज में करिएगा, तो हिंदी में करिएगा, तो आप गूगल ट्रांसलेशन का सहायता ले सकते हैं और वहाँ से ट्रांसलेट के सही ढंग से भेज सकते हैं और वहां से भी अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर आपको एक भी रुपया नहीं देना है। कुछ होते हैं हर जगह फ्रॉड आते हैं कंपनियां, हर जगह कुछ लोग आते हैं फ्रॉड होते हैं कि हमें दीजिए आपको मैं ऐसे ऐसे कार्य दिवाऊंगा ऐसे करवाऊंगा। यहां पर आपको एक भी रुपया नहीं देना है, आपको सब कुछ फ्री में शुरुआत में आपको करनी है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल होता है, आर्टिकल मतलब कुछ भी, आज के समय बहुत ढेर सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, आपको जिस भी टॉपिक पर नॉलेज है उस टॉपिक और आर्टिकल लिख करके अगला वाला बंदा रहेगा तो जो जिसको चाहिए लेने वाला रहेगा भाई, तो वो कहेगा कि मुझे इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखे, तो आप उस टॉपिक पर लिख करके आर्टिकल को उसे दे सकते हैं और वहां से आप लोग अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। आर्टिकल हो गया, जैसे डिजाइन उजाइन हो गया और ब्लॉगिंग हो गया। आज के समय ब्लॉगिंग तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, बढ़ चुका है या सब लोग बढ़ चढ़ के ब्लॉगिंग में भाग ले रहे हैं। आप भी लीजिएगा, ब्लॉगिंग करिएगा, ब्लॉगिंग वही गूगल पर जो होता है आर्टिकल लिखिएगा, अपना पोस्ट करिएगा, या तो हो सकता है इन वेबसाइट पर आकर के किसी दूसरे के लिए वर्क कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं और बहुत ढेर सारे जैसे कैप्चा वैप्चा भरना होता है, तमाम प्रकार कैप्चा वाला बड़ा पॉपुलर होता है यार, कैप्चा वैप्चा भर सकते हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी में वर्क मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जिस भी निच से रिलेटेड होंगे उस पर क्या करिएगा, और ये सब अलग अलग वेबसाइट पहले क्लियर कर दो, एक ही वेबसाइट नहीं लेकिन कार्य लगभग लगभग सेम टू सेम मिलता है, तो यहाँ पर रजिस्टर करके अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग अच्छा, मैं अभी तक यहाँ तक बढ़ चुका है लेकिन एक चीज़ नहीं बोला, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रीलांसर के मैंने टेक्निक सेकंड में बता दिया, पहले में क्या था कि कोई भी स्किल्स नहीं थी, सेकंड में क्या था कि यहाँ पर आपको स्किल्स चाहिए, और ऐसा पहले वाले के लिए नहीं बता रहा कि एकदम नहीं स्किल चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि कैसे बोला जाता है और कैसे किसी भी चीज़ को यूट्यूब को में अपलोड किया जाता है, ये सब पॉइंट थोड़ा बहुत तो नॉर्मल सी बात रहती है। यदि सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उतना तो उससे ज़्यादा कई गुना आप लोग को नॉलेज होगा, ऐसे से वर्क करके आप लोग ईजिली वर्क कर सकते हैं और अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। शुरुआत में पार्ट टाइम लीजिएगा, आगे आने वाले समय में इसे फुल टाइम ले लीजिएगा। अच्छा, लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब के लिए मैं एक एक्स्ट्रा टिप्स बता रहा हूँ जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि यूट्यूब में यदि आप वीडियोस नहीं बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए अच्छे खासे वर्क कर सकते हैं, यूट्यूब में आप वीडियोस नहीं बनाना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखाई देगा, सबसे पहला ही लिंक होगा और उस लिंक पर जा करके एक वीडियोस में बना दिया हूं, और उस वीडियो को जाइएगा देखिएगा, और देखने के पश्चात आपको यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा यार। यूट्यूब में आप बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आपको विदाउट वीडियोज़ बनाए, आपको एक भी वीडियो नहीं बनाना है, बस कॉपी करके बस पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना, वहाँ मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा हूँ कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे चैनल बहुत ही अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जाइएगा तैयार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उस पर एक मैं बहुत ही कमाल की वीडियोस लाने वाला हूँ, तो उसे आप लोग करना क्या पड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ जो लोग नए आए होंगे इससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, जैसे भी हैं स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने इस समय घरों में रहेगा। जय जय भारत।